जो अगला राउंड है वो डेरिवेटिव माइंड क्विज राउंड है। डेरिवेटिव माइंड क्विज राउंड में सभी कंटेस्टेंट से हम 15 सवाल पूछेंगे, यानी कि ओपन फ्लोर पे 15 सवाल पूछे जाएंगे, और इन 15 सवालों के बदले में कंटेस्टेंट जवाब दे सकते हैं बजर दबा के। हर सही जवाब पे आपको 2 पॉइंट मिलेंगे और हर गलत जवाब पे, यहाँ भी नेगेटिव स्कोरिंग है, -1 आपके उसके बदले में लिए जाएंगे। यहाँ पे आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं है। आप लोगों के सामने सवाल रखे जा रहे हैं। पहला सवाल डैश बेस है, लेंथी सवाल है। डैश हैव टू इंश्योर दैट द पे आउट ऑफ फंड्स एंड सिक्योरिटीज टू द क्लाइंट्स इज डन बाय द ब्रोकर विद इन 24 आवर्स ऑफ द पे आउट। सेबी, स्टॉक एक्सचेंज, क्लियरिंग हाउस, नन ऑफ द अबव। जी ये अश्विनी कुछ बताइए। ऑप्शन सी क्लियरिंग हाउस। इसका जो सही जवाब है वो है स्टॉक एक्सचेंज। आपसे अगला सवाल पूछा जा रहा है। अगला सवाल जो है वो एक सही और गलत, यानी ट्रू और फॉल्स फॉर्म में होगा। ध्यान से इसका जवाब दीजिएगा। ब्रोकर्स वर रिक्वायर्ड टू मेक पेमेंट और गिव डिलीवरी विद इन 2 वर्किंग डेज ऑफ द पे आउट डे, राइट? शेषेंदु, ट्रू श्योर है? सही जवाब है आपका। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, अ लॉन्ग हेज टिपिकली अप्रोप्रिएट फॉर अ हेजर हु एंटिसिपेट्स दैट द प्राइस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट विल इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन कॉन्स्टेंट। जी सर जवाब दीजिए। साकेत, इट इज ए। श्योर है आप? पक्का? हाँ। गेस कर रहे हैं? नहीं नहीं, श्योर है ना, लॉन्ग कर रहा है वो तो, इंक्रीज कर। जो भी कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, इंक्रीज इज द राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक डैश आधारित सवाल है, ध्यान से इसको पढ़िएगा। डैश इज द डिफरेंस बिटवीन द कैश प्राइस फॉर एन एसेट टू बी हेज्ड एंड द फ्यूचर प्राइस, दैट इज कॉस्ट ऑफ कैरी, डिफरेंशियल कॉस्ट, बेसिस, ये कैरी रिस्क। क्या जवाब होगा? साकेत जवाब बताइए। कॉस्ट ऑफ कैरी। श्योर है आप? हाँ जी। काफी तेज जा रहे हैं आप, गलत जा रहे हैं इस बारी। द राइट आंसर इज बेसिस। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। पांचवा सवाल है, व्हेन एन एसेट टू बी हेज्ड इज एग्जैक्टली द सेम एज एसेट अंडरलाइंग द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, द हेज रेशियो इज इक्वल टू 0, 1, 10, 100। कोई जवाब देना चाहेगा? आप लोग बेहतर खेल रहे हैं, स्कोरिंग और बढ़ सकती है आप लोगों की। चलिए ऑडियंस में आंसर इज B1। वन श्योर है? पढ़ाया, गेस कर रहे हैं? गेस कर रहे हैं क्योंकि सेम नंबर ऑफ है। आप गेस कर रहे हैं? हाँ। ये तो सही गेस है सर आपका। वन इज द राइट आंसर, और जो लोग वन गेस कर रहे थे उनके लिए भी एक अच्छा मौका था। खैर अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, एन इन्वेस्टर होपिंग दैट द प्राइस विल डिक्लाइन में बेनिफिट फ्रॉम अ बुल स्प्रेड, बियर स्प्रेड, बोथ 1 और 2, नीदर 1 और 2। साकेत बताइए जवाब क्या है? बियर स्प्रेड। श्योर है आप? गेस कर रहे हैं? सही जवाब है आपका एक और, स्ट्रैडल इज द राइट आंसर। अगला सवाल ट्रू और फॉल्स फॉर्म में है, यानी कि सही और गलत जवाब के हिसाब से है। रिडक्शन ऑफ अपसाइड रिस्क इज सर्टेनली अ लिमिटेशन ऑफ यूजिंग फ्यूचर टू हेज, इज इट ट्रू और फॉल्स? शेषेंदु जवाब। ट्रू। श्योर? चलिए देर है, दुरुस्त है, ट्रू इज द राइट आंसर, और 2 पॉइंट आपके भी खेमे में आता हुए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, द फ्यूचर प्राइस फॉर अ पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट इज द प्राइस एट विच यू एग्री टू बाय और सेल एट अ आफ्टर 6 मंथ करंट डेट, लास्ट डेट ऑफ अ रिस्पेक्टिव मंथ, प्री डिटरमाइंड फ्यूचर रेट। शीर्षेंदु, डी प्री डिटरमाइंड फ्यूचर डेट। श्योर? सही जवाब आपको और 2 पॉइंट दिलाता हुआ। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है एक डैश आधारित सवाल है, द फ्यूचर प्राइस आर डिटरमाइंड बाय बायर एंड सेलर, स्टॉक मार्केट, सप्लाई एंड डिमांड, एंड सेबी। साकेत, बायर एंड सेलर। श्योर है आप? ये जवाब की उम्मीद मुझे शीर्षेंदु से वैसे ज्यादा थी, लेकिन आपने जवाब दिया है गलत जवाब। सही जवाब है सप्लाई एंड डिमांड। चलिए अब 11वें सवाल की तरफ चलते हैं। 11वां सवाल है, इन ओवर द काउंटर मार्केट ट्रेड्स आर यूजुअली बिटवीन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कॉर्पोरेट रिजर्व्स, फंड मैनेजर्स, ऑल ऑफ द अबव। जी अश्विनी बताइए। श्योर हैं आप? या थोड़ा देर से आए लेकिन सही आए हैं बिल्कुल। ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। 12वें सवाल की तरफ हम बढ़ने जा रहे हैं। डेरिवेटिव आर यूज्ड टू डैश हेज रिस्क, लॉक इन एन आर्बिट्रेज प्रॉफिट, स्पेक्यूलेट, ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव। आपने मेरी बात को ज्यादा सीरियस ले लिया।
लगातार सही जवाब आपकी तरफ से आते हुए, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। एक और दो पॉइंट जो है वो आपके खेमे में आते दिखाई पड़ रहे हैं। 13वां सवाल है, सही गलत के जवाब के हिसाब से होगा। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स आर सिमिलर टू फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सेप्ट दैट दे ट्रेड इन एन इलेक्ट्रॉनिकली एक्सचेंज मार्केट, इज इट ट्रू और फॉल्स? अनुज, ट्रू। श्योर है आप? या गलत है वैसे आप, फॉल्स इज द राइट आंसर। और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं उसमें। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, वो भी ट्रू और फॉल्स आधारित सवाल है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से जवाब दीजिएगा। अ लॉन्ग फ्यूचर हेज इज appropriate when you know you will sell an asset in the future and want to lock in the price, true or false? Saket, false. Sure, sahi jawab hai aapki taraf se, aur 2 point aur aapke khame mein aate hue aakhri sawal ki taraf ja rahe hain. Jin logon ka score kam hai unke liye ek acha mauka hai, behtar mauka hai thoda acha perform karne ka. When there is no future contract on asset being hedged, choose the contract whose future price dash has no correlation with the asset price, is most highly correlated with the asset price, has exact correlation with the asset price, none of the above. कोई guess? सब score बचाना चाह रहे हैं। चलिए audience में एक आखिरी मौका। I think C. C? None of the above? सर ये भी none of the above, गलत जवाब है। सही जवाब इसका है is most highly correlated with the asset price. इसी के साथ ही ये राउंड भी, यानी कि डेरिवेटिव माइंड क्विज राउंड जो है वो भी खत्म होता है। तो अनुज हमारे चौथे पायदान पर आए हैं एक अच्छे ऑनलाइन स्कोर के साथ, बहुत बढ़िया अनुज। अनुज के अलावा तीसरे कंटेस्टेंट है वो है अश्विनी लखोटिया। साकेत इज द विनर एंड शीर्षेंदु इज फर्स्ट रनर, 6 पॉइंट शीर्षेंदु के थे, लेकिन जो विनर है कोलकाता सिटी राउंड के, यानी सेंसेक्स सुल्तान सीजन 4 के 7वें सिटी राउंड यानी कोलकाता राउंड के, वो है साकेत झुंझुनवाला। और आप बनते हैं सेंसेक्स सुल्तान सीजन 4 के कोलकाता राउंड के विजेता।